दर्शकों, यूं थी गलियां शहर, न जाने पायल की छम छम से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती। लेकिन कुछ बेटियां अपने कुल खानदान का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम मेडलों की झंकार से शहर को एक तरह से सम्मानित करवा रही। ये कोमल की ये छनछनाती, ये देखिए कितने सारे मेडल देख रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनिक लैब 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। हम हमेशा कहने का प्रयास करते हैं कि बेटियों का आसमान में उड़ने दीजिए, बेटियों को जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए, बेटियों के सारे सपने पूरे होने दीजिए। कोमल आज खेलो इंडिया में कोमल का चयन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, कोमल झाझा नगर परिषद वार्ड संख्या 5 की रहने वाली किशोर कुमार, जो रेलवे में कर्मचारी, उनकी बेटी है और केंद्रीय विद्यालय में दसवीं क्लास की छात्रा है। अब लगातार देख रहे हैं कि हमारी झाझा की बेटियां अपनी सफलता की परचम लहरा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, रोशनी जो बिना बाप की बेटी है, उसने भी कड़ी लगन, कड़ी मेहनत के कारण आज सुर्खियों में बनी हुई है। मुझे लगता है कोमल भी आने वाले समय में, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल पहले भी जीती हैं, लगभग 8 से 10 मेडल अभी तक जीत चुकी हैं। हमारी पूरी चैनल के टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं है, जो अगले महीने भारत के किसी अन्य राज्य में अभी खेलने जाएंगी खेलो इंडिया के तहत, जिसमें भारत के तमाम राज्यों से पार्टिसिपेंट भाग लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोमल अपने परिवार के साथ साथ, अपने विद्यालय के साथ साथ, अपने राज्य का कितना नाम रोशन कर पाती है। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत मुलाकात कोमल के साथ। छोटी छोटी आंखें हैं, बड़े बड़े सपने हैं कोमल की आंखों में। हम इस विश्वास है कि कोमल की आंखों के सपने निश्चित पूरे होंगे। इस तरह आप जानते हैं, हमारे साथ साक्षात्कार में कहीं कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूं, मैं आर्मी में जाना चाहती हूं। हर बेटियां अपने पापा की जान होती है, अपने पापा की आन होती है, और ये बेटी हम चाहते हैं कि ये देश की शान भी बने। देखिएगा बहुत ही प्यारी सी मुलाकात कोमल के साथ। एक और बेटी हमारे साथ जुड़ रही, जो फिर से आसमान में सुराग करने की कोशिश में है, कोमल, जो रेल कर्मचारी की बेटी है। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ सिलेक्शन हुआ। कोमल, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। खेलो इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 15 तारीख को गेम था और इस बार 2 तारीख को जाना है खेलो इंडिया के लिए। किस क्लास में पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है आप? क्लास 10 में पढ़ते हैं और केंद्रीय विद्यालय झाझा में पढ़ते हैं। इसके पहले कितने मेडल जीती हैं? 8 से 10 मेडल जीत चुके हैं। कौन कौन सा? एक नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लगा था क्लास 8 में, और 9 में सिलेक्शन हुआ। किसी कारण हम लोग का गेम कैंसिल हो गया था तो नहीं गए थे। फिर 2023 में नवंबर में गए थे बेगूसराय, वहां पे SGFI का गेम था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। कितने मेडल जीत चुके हैं अभी तक आप? अभी तक में 8 मेडल हो चुका है, 8 से 10। किस चीज में? टैकोंडो में। कोमल, आप एक लड़की हैं, तो लड़कियों को डांस सीखना चाहिए या फिर टैकोंडो सीखना? लड़कियों को डांस सीखना चाहिए, बट टैकोंडो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग को अपना खुद का सुरक्षित देखना होता है। 3 तारीख को जो आपका प्रतियोगिता होने वाली है, कहाँ होने वाली है? वो शायद उत्तराखंड में होने वाली है। उत्तराखंड। आप अपना परिचय दीजिए। मैं कोमल कुमारी, मेरे पिता का नाम किशोर कुमार है, मेरी माता का नीलम देवी, मैं अंबेडकर नगर झाझा में रहती हूँ। और क्या सपना है, क्या बनना चाहती है कोमल? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है आप? यस। और सब लड़की को क्या संदेश देना चाहती है? आप लोग भी खेलिए, अपना आत्मनिर्भर बनिए, फिर आपको भी आगे जाने का मौका मिलेगा, और खेल से आपका जल्दी सिलेक्शन भी हो सकता है किसी भी फील्ड में। कोमल, एक बात और जानना चाहेंगे, जो खेलो इंडिया में कितने राज्यों के लोग या कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग जाएंगे? पूरे राज्य के लोग आएंगे। मैंने सारे देश से लोग जाएंगे? हाँ, जितना भी भारत में अभी सब डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। बहुत शुभकामना आपको, गोल्ड जीत के आई आप, जीत के आए आप। अभी उम्र है बच्चों को खेलने की, लेकिन इसने अभी तक ना जाने कितने मेडल जीते, आपके गले की शोभा बढ़ा रहा है तमाम मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल है कोमल के हाथ में।
कोमल मैं जानना चाहता हूँ कब से तुमने ताइक्वांडो सीखने को शुरुआत की है? कितने क्लास 3 से ही शुरुआत कर दिए थे ताइक्वांडो प्रैक्टिस के लिए। साल हो गए? कितने आज 8 साल हो गया होगा। ब्रॉन्ज जीती थी ब्रॉन्ज एक ही है अभी मेरे और पास, कितने मेडल जीती है? मेडल मेडल 10 जीत चुके हैं क्योंकि क्लास 8 से स्टार्ट किया था। दिखा सकती हैं आप? हाँ ये मेडल है मेरा, ये गोल्ड है, नेशनल में ये मेरा मेडल आया था। क्या नाम है आपका? नीलम देवी, नीलम देवी। आज बेटी आसमान छू रही है, कैसा लग रहा है नीलम आपको? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है, बेटियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर डांस सीखना चाहिए? पढ़ाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आज बेटी का सपना है कि हम आर्मी में जाकर देश की सेवा करें, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी कम हो उम्र रहा में, है। जी, इतनी कम उम्र में कोमल ने मेडल का इस तरह से ढेर लगा दिया, कैसा लगता है? खुशी हो रहा है। क्या कहेंगे तमाम माता पिता को? जी ऐसी बेटी के आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए। हमारे साथ किशोर कुमार जुड़े हैं, रेलवे कर्मचारी। किशोर, आज आपकी बेटी आसमान छू रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व की बात है। इसी तरह जिस तरह मेरी बच्ची खेल रही है, उस तरह सभी को खेलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको बेटी को लेकर कभी चिंता नहीं होती? आपकी बेटी जो तैयार ही आने राज में भी खेलने, कई माता पिता संदिग्ध रहते हैं कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं होती, क्योंकि माहौल देश का बहुत गंदा हो गया है। आपने देखा होगा कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ तिलक हो गया था। इसलिए तो हम इसको अपने आप को तंदुरुस्त बना रहे हैं कि वो किसी से मने लड़ सके, उसका सामना कर सके, आगे कहीं ना कहीं ये सोच के आप आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के काम कर किस रहे उम्र हैं। में बेटी को देखना चाहते हैं? बेटी ने कहा मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करने हम चाहूंगा। अपने बेटे को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए पूरा हम प्रयास में हैं। आप एक रेल कर्मचारी, तमाम रेल कर्मचारी को क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह मेरा बच्ची आगे बढ़ रही है, उस तरह सभी को बच्चा बच्चियां आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे जा करके अपना भविष्य, अपने माँ बाप को का नाम रोशन करें।